नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राधा स्वादा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इवनिंग स्नैक्स जो है वेजिटेबल कटलेट। ये अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो चलिए हम आज वेजिटेबल कटलेट बनाना शुरू करते हैं। कटलेट बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरा को हम थोड़ा चटकने देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ। इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1-2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही हम डालेंगे 1 इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ और 1 बड़ा चम्मच लहसुन कद्दूकस किया हुआ। इन सबको हम 2 मिनट भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। प्याज के भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियों को। तो सबसे पहले हम टमाटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा टमाटर बिल्कुल बारीक काट के ले लिया है। और टमाटर को हम 1 से 1.5 मिनट भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पे, ताकि टमाटर हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें सब्जियों को ऐड करेंगे। हरी सब्जियों में मैंने यहाँ पे थोड़े से बीट रूट लिए हैं, थोड़े से फ्रेंच बीन्स, थोड़े से गाजर और थोड़े से शिमला मिर्च। सभी चीज़ों को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। सभी सब्जियों को हम इसमें ऐड कर देते हैं एक साथ ही। और सब्जियों को हम 2 मिनट भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। सब्जियों को मैंने 2 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। स्वाद अनुसार नमक हम ऐड कर देते हैं और इसे हम मिक्स कर लेंगे। सब्जियों में नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, भुनी हुई जीरा का पाउडर है, आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, या इसकी जगह आप चाट मसाला भी ले सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे सब्जियों में अच्छे से। मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच मूंगफली के दाने। मैंने यहाँ पे रोस्टेड मूंगफली के दाने लिए हैं। आप चाहे तो कच्ची मूंगफली के दाने को सब्जियों के साथ ही भून सकते हैं। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल्ड आलू मैश किया हुआ। यहाँ पे मैंने 5 बॉयल्ड आलू को मैश करके रखा है। इसे हम डाल देते हैं इसमें मसाले के साथ ही। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। गैस का फ्लेम अभी बिल्कुल लो रखें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें मसालों के साथ। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और ये अब हमारा मसाला बन के तैयार है। हम इसमें लास्ट में हरा धनिया ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच हरा धनिया के पत्ती को बिल्कुल बारीक काट के ले लिया है। इसे हम मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे निकाल लेंगे। कटलेट के लिए हमारा मसाला बन के तैयार है और ये अब ठंडा भी हो चुका है। मैंने यहाँ पे 4 बड़ा चम्मच अरारूट पाउडर लिया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक पतला घोल बना लेंगे। अरारूट पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसके जगह मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से बिल्कुल हमें पतला सा घोल बनाना है। इसे हम साइड रख देते हैं और अब हम कटलेट बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ब्रेड को मैंने सेक के उसे ग्राइंडर जार में बिल्कुल बारीक पीस लिया है। और अब हम कटलेट बनाना शुरू करते हैं। कटलेट को आप कोई भी शेप में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाथ में पानी लगाया है और इसे हम लंबा शेप देंगे। इसे आप गोल या फिर चौकोर कोई भी शेप में बना सकते हैं। देखिए इस तरह से। और इसे हम अरारूट के घोल में डिप करेंगे। देखिए इस तरह से। और उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में रखेंगे इस तरह से। और हम इसे ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे इस तरह से। बहुत ही अच्छे से हमें पूरे कटलेट के ऊपर ब्रेड क्रम्स को अच्छे से कोट कर लेना है। देखिए इस तरह से सारा कटलेट हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेते हैं।
इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह से हम सारा कटलेट को बना लेते हैं। देखिए मैंने सारे कटलेट को मैंने ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल को मैंने गरम करने के लिए चढ़ा दिया है गैस पे। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें कटलेट को फ्राई करने के लिए रखेंगे। एक बार में जितना कटलेट आ जाए कढ़ाई में आप उतना डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 या 5 कटलेट को डाल दूंगी और इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। गैस का फ्लेम तेज ना करें। कटलेट हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसका कलर ब्राउन हो चुका है। मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही फ्राई किया है और अब हम इसे किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। बहुत ही सावधानी से इसे निकालें नहीं तो ये टूट जाएगा। इस तरह से देखिए। और हमारा जो बचा हुआ कटलेट है उसे भी हम फ्राई कर लेते हैं इसी तरह से। फ्रेंड्स हमारा बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटा इवनिंग स्नैक्स वेजिटेबल कटलेट बनके तैयार है। इसे आप किसी भी चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इसे आप जरूर ट्राई करें। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।